आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का जमावड़ा अभी भी जारी है। पहलवान सिर्फ हरियाणा से नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहलवान, बाकी खिलाड़ी यहां पर पहुंच रहे हैं। किसानों खाप पंचायतों का साथ मिला हुआ है। विपक्षी दलों के मुख्य चेहरे यहां पर पहुंचे, पहलवानों का साथ देने की, समर्थन देने की बात कही। इसमें अलग अलग पड़ाव हमने अभी तक इस धरना प्रदर्शन के देखे हैं। कभी मंच से ललकारा गया, कभी विपक्षी पार्टियों के जरिए राजनीति इस पर की गई, कभी आंधी आ गई, कभी बारिश आ गई, फोल्डेबल बेड जब वहां पर मिले तो दिल्ली पुलिस पहलवानों के बीच में झड़प भी हो गई। जैसा कि दावा किया गया कि पहलवानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा क्योंकि FIR महिला पहलवानों की दर्ज नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज की, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। लेकिन पहलवानों की शिकायत यह है कि अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ हुआ नहीं। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, महिला पहलवानों के इसमें बयान नहीं दर्ज किए गए हैं और अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य था कि FIR दर्ज हो जाए, FIR दर्ज हो गई है, अब आप लोअर कोर्ट या फिर हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, वहां अगर मामला नहीं सुलटता है तो आप यहाँ का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ आने का आपका मोटिव पूरा हो चुका है इसीलिए यहाँ हम सुनवाई बंद करते हैं, अब आप आगे का रास्ता निचली अदालत या फिर हाईकोर्ट के तौर पर चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला बंद हुआ, पहलवानों ने कह दिया न्याय प्रक्रिया पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन दिल्ली पुलिस से उन्हें उम्मीद रही कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हमने महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई है, और ये मामला यूं ही डावाडोल होता रहा। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि जो पहलवान है नाराज, वो इस बात से और ज्यादा नाराज हो गए कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, बयान नहीं लिए, और अब पहलवानों ने रुख कर लिया है राउज एवेन्यू कोर्ट का। राउज एवेन्यू कोर्ट वो कोर्ट होता है जिसमें नेताओं से जुड़े हुए मामले सुने जाते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में जाकर पहलवानों ने ये कहा है कि कोर्ट के दखल के बाद ये पूछा जाए कि दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में कार्रवाई क्या की है। पहलवानों की तरफ से नाराजगी इस बात को लेकर जताई गई कि हम वहां दिन रात बैठे हुए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हमारे प्रदर्शन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम भी इस दौरान दे दिया, 21 मई के बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी देखने को मिलेगा पहलवानों के जरिए। ये आंदोलन और ज्यादा उग्र या तेज हो सकता है क्योंकि पहलवानों की एंट्री के बाद उग्र हुआ भी है, बैरिकेड्स टूटे भी हैं, पहलवान यहाँ पुलिस से सीधा भिड़ भी गए थे और किसानों के भिड़ने की भी तस्वीरें सामने आई थी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा पहलवानों के वकील के जरिए कि आप FIR की कॉपी जमा कराइए। साथ ही दिल्ली पुलिस से इस मामले में सवाल पूछा कि क्या कुछ इस मामले में अब तक एक्शन के नाम पर हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही अगली जो तारीख है वो 12 मई की दे दी गई है, यानी कि शुक्रवार की दे दी गई है। शुक्रवार को अब दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है, यानी कि दोनों पक्षों को सुनेगा। अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहलवान इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पहलवान पहले भी कह रहे थे हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, हमें इंसाफ मिल जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि पॉक्सो एक्ट दर्ज होने के बाद भी, पॉक्सो की धारा लगने के बाद भी अभी तक ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नजर आया नहीं है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस बार बार सवालों के घेरे में है, और इसीलिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों की नाराजगी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तो है ही, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी बनी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने के बाद क्या पहलवानों को इंसाफ मिल जाएगा, 12 मई अगली सुनवाई की तारीख है, लेकिन पहलवानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए, इस मांग को देखते हुए आपके मन में ख्याल क्या आता है? क्योंकि ब्रजभूषण सिंह आजाद है, वो ये कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, वो ये कहता है मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, वो कहता है मैं रावण थोड़े ना हूँ, मैं तो पहलवानों का, मैं तो खिलाड़ियों का भला चाहता हूँ, गेम्स का बढ़ावा चाहता हूँ, और ये सब आरोप गलत हैं। लेकिन इन आरोपों पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है आरोपों में सच्चाई हो सकती है या फिर आरोप झूठे हैं, बताइएगा।